हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का 9.11 डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड एट इन्फिनिटी। वट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। तो पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, जब जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पर है। अगर ये 25 सेंटीमीटर पर है तो हम समझ सकते हैं कि जो वी ई है वो माइनस का 25 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाता हूँ तो ये मेरे पास देखो ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, ये मेरे पास आई लेंस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से ऐसे रे यहाँ पर जाएगी, ठीक है, तो ये इसकी यहाँ से फाइनल इमेज बनेगी। तो यानी इस आई से आई पीस से वो लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर यहाँ से आएगा। इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है बच्चों 2 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर और इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वी ई ये हो गया, यहाँ से मैं यू ई कैलकुलेट करूँगा। यू ई मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है फ्रॉम, वैसे एक्चुअल में हमें यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनल ये पता है, ये पता है हमें, वी ई पता है, एफ ई पता है, वहाँ से यू ई आएगा, फिर यू ई से हम यू ओ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम यू ई निकालेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/FE इक्वल्स टू 1/VE माइनस के 1/UE। तो मुझे यू ई निकालना है तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो यू ई इधर हो जाएगा इक्वल्स टू 1/VE माइनस के 1/FE। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यू ई माइनस का 25 सेंटीमीटर है एंड एफ ई हमें 6.25 दे रखा है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 100 लगा देता हूँ और यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6.25, तो ये माइनस का 25 बचेगा और यहाँ से ये माइनस का 100 होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 125 बाई 6.25। तो 25 से ये 5, 25 से ये 25, 1 से ये 5, तो यहाँ से बच्चों यू ई की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 5 या माइनस के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो आया है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना है 15, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। यानी मैं अगर सेकंड केस लगाऊँ तो मुझे वी ओ मिला 10 सेंटीमीटर, एफ ओ मेरे पास है कितना 2 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ से यू ओ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं फिर से लगा देता हूँ लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगाओ बच्चों, तो 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस के 1/UO। UO मुझे कैलकुलेट करना है तो यू ओ को मैं इधर ले आता हूँ, 1/VO एंड माइनस के 1/FO हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लो, देखो वैल्यूज पुट करो, 1/UO मुझे कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू 1/VO की वैल्यू यहाँ से 10 सेंटीमीटर एंड माइनस एफ ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 20 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 माइनस के 10 यानी माइनस के 8/20 आ जाएगा, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 5 बार, यानी यू ओ की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस के 2.5 सेंटीमीटर। तो यू हमसे पूछा गया था। एक चीज़ और पूछी गई है क्वेश्चन में,
मैग्नीफिकेशन क्या होगी ईच केस में, व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑन ईच केस। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन के लिए, तो आता है वी ओ अपॉन माइनस का यू ओ वन प्लस डी अपॉन एफ ए। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, वी ओ कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, माइनस यू ओ कितना आया माइनस के 2.5, वन प्लस डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और ये 6.25। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 25 इससे ये हटाने के लिए मैं जीरो लगा देता हूँ, तो ये 4 बार कटेगा, तो यहाँ बचा मेरे पास 4 प्लस इसकी 2 जीरो हटाने के लिए मैं ऊपर लगा देता हूँ, तो 25 से 100 और 25 से 25 यानी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 बचेगा, तो 5 4 20 मेरे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये हमने इसका ए पार्ट किया, अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमें जो केस निकालना है वो निकालना है जब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, यानी हमें जो फाइनल इमेज है वी ई वो मिल गई बच्चों इन्फिनिटी पर। एफ ई हमें गिवन है कितना 6.25 सेंटीमीटर गिवन है। अगर इमेज इन्फिनिटी पर हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, फोकस पर होता है, यानी माइनस का मैं सीधा निकाल रहा हूँ या आप लेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो यू ई मेरे पास मिल जाता है माइनस के 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। ये डिस्टेंस जैसा हमने अभी पहले वाले केस में देखा था, इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ से यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर, और इसने जो इमेज बनाई थी वो यहाँ पर बनाई थी, तो ये हमारे पास यू ई ही आया है, यहाँ से यहाँ तक आ गया 6.25 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा वो वी ओ होगा। तो नाउ अगर मैं वी ओ निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा 15 माइनस के 6.25, तो कितना बचेगा 8.75 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी मेरे पास है, फोकल लेंथ कितने की बने इसके बच्चों, चेक कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो एफ ओ मुझे मिल जाता है यहाँ से 2 सेंटीमीटर। नाउ मुझे यू ओ कैलकुलेट करना, तो मैं फिर से लेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, तो 1 अपॉन एफ ओ इजक्वल्स टू 1 अपॉन वी ओ माइनस के 1 अपॉन यू ओ। तो मुझे यहाँ से यू ओ कैलकुलेट करना है, तो यू ओ को मैं इधर ले आता हूँ और एफ ओ को मैं इधर ले जाता हूँ, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 अपॉन यू इजक्वल्स टू 1 अपॉन 8.75 एंड माइनस के 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ से 17.5 एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 2 से ये जो जाएगा यहाँ पर 2 से सॉरी इससे ये 2 बार जाएगा ना, 2 यस 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा एंड माइनस का इससे ये 8.75 टाइम्स जाएगा, तो वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना बचेगा ये माइनस का 6.75 अपॉन 17.5, तो यहाँ से यू ओ मेरे पास आ जाएगा 2.59 सेंटीमीटर। लास्ट में मैग्नीफिकेशन और पूछिए मैग्नीफाइंग पावर, तो अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालता हूँ इन्फाइनेट वाले केस में, तो वी ओ अपॉन माइनस का यू ओ सिंपल मल्टीप्लिकेशन डी अपॉन एफ ई की हो जाती है, तो वी ओ कितना आया हमारे पास बच्चों, वी ओ आया 8.75, तो 8.75 यू आया माइनस के 2.59, डी की वैल्यू 25 और ये मेरे पास 6.25 होता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इसकी जीरो से ये इसकी जीरो हमारे पास हट जाएगी। ठीक है,
तो 25 से ये 25 टाइम्स कट जाएगा हमारे पास, और 5 से इसको 5 टाइम्स काट लेते हैं, इसको 5 टाइम्स करेंगे तो 5 वन जा 5 एंड 5 सेवन जा 35 एंड 5 फाइव जा 5 से इसको फिर कट कर लो, 5 थ्री जा 15 एंड 5 फाइव जा 35 हो गया। अब 35 को मुझे डिवाइड करना है 2.59 से, तो 2.59 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो मैग्निफिकेशन है वो 13.59 अप्रोक्स आ जाएगी।